हाय दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ बहुत दूर अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपके एक नजदीकी रिश्तेदार से मिलने के लिए। मैं जानता हूँ आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मेरे तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं अफ्रीका के जंगलों में। अच्छा, फिर से सोचो दोस्तों, क्योंकि एक लिंक है जो सभी इंसानों को आपस में जोड़ता है, और वो लिंक और कोई नहीं है सिवाय एक समझदार जानवर के, जिसे कहते हैं चिंपैंजी। तो आज हम जानते हैं इन शानदार एप्स के बारे में और दूरी कम करेंगे आपके और साथ ही चिंपैंजीज के बीच। ज़ूम इन। चिंपैंजीज रहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में और वुडलैंड सवानास में वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के। वो संबंध रखते हैं होमिनेडी परिवार से, जिन्हें कहते हैं ग्रेट एप्स भी, जिनमें शामिल हैं गोरिल्लास, ओरैंगुटैंस और यहाँ तक कि इंसान भी। और इंसानों की तरह ही चिंपैंजीज कम्युनिटीज में रहते हैं। इन कम्युनिटीज में होते हैं करीब करीब 15 से 80 मेंबर्स, जिनका नेता होता है एक अल्फा मेल जो ग्रुप को कंट्रोल करता है और शांति बनाता है झगड़ा होने पर। चिंपैंजीज एक्सपर्ट्स होते हैं ग्रूमिंग में और अपना काफी समय बिताते हैं एक दूसरे के बालों में उंगलियां फेरते हुए, जैसे कि मिट्टी, डेड स्किन और पैरासाइट्स को हटाने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ग्रूमिंग एक बहुत ही खास एक्टिविटी होती है इन शानदार जानवरों की। इससे ये सिर्फ साफ सुथरे ही नहीं रहते, बल्कि इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और आपस में रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। चलो शुक्र है, ये कुछ ऐसा है जो चिम्स और इंसानों में मेल नहीं खाता। जरा सोच कर देखो, आपका दोस्त उंगलियां फेर रहा है आपके सर पर, तो ऐसा होने पर आप परेशान हो जाते ना? लेकिन उनकी इन हरकतों से गलत अंदाजा मत लगाना। इंसानों के बाद चिंपैंजीज ही ज्यादा समझदार हैं पृथ्वी के प्राइमेट्स में से, और वो डेवलप कर चुके हैं शानदार तरीके से एक दूसरे से बातचीत करने के, कई तरह के संकेत इस्तेमाल करके, साथ ही चेहरे के हाव भाव से और कई तरह की आवाजें निकाल कर भी, जैसे कि चिल्लाकर, गुर्राकर और चीख कर। इतना ही नहीं, वो शब्द सीख सकते हैं, चीजों और खिलौनों से खेल सकते हैं, और यहाँ तक कि दुखी भी होते हैं अपने किसी साथी के मरने पर। ये समझदार एप्स उन कुछ जानवरों में से एक हैं जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं खाना जुटाने के लिए और काम करने के लिए, जैसे पत्थर से नट्स को तोड़ना, घोंसलों और पेड़ के तनों में से कीड़ों को निकालना लकड़ी का इस्तेमाल करके, और पत्तों को छाती की तरह पकड़ना बरसात से बचने के लिए। वाह, ये तो वाकई कमाल है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है चिम्स और इंसानों का डीएनए 98.5% एक जैसा होता है? इतना गहरा रिश्ता है आपके और चिम्स के बीच। इसी वजह से आप में और इनमें बहुत कुछ मिलता जुलता है, जैसे कि चेहरे के हाव भाव, बड़े पंजे, अंगूठे और उंगलियां जो पकड़ सकती हैं। हमारा व्यवहार भी एक जैसा होता है, और हमारी तरह ही खेलते समय चिम्स हंसते हैं, प्यार दिखाने के लिए गले मिलते हैं और सीधे खड़े होकर चल सकते हैं। तो मतलब ये है, अगर कभी आपको कोई एप कहकर बुलाए तो आप गर्व से कह सकते हो, वो तो हम सभी हैं।